इंडियन आर्मी का 60 पैराफील अस्पताल टर्की के लिए बना वरदान। कोरियाई वॉर में भी 2,00,000 लोगों की बचाई थी जान। टर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई हुई है। अब तक भूकंप से मरने वालों की संख्या 28,000 के पार हो चुकी है। दोनों देशों की मदद के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। इसी कड़ी में भारत भी शामिल है। भारत ने हर समय आपदा से प्रभावित होने वाले किसी भी देश में संकट में युद्ध में सबसे पहले मदद पहुंचाई है। भारत में जरूरी सामान के साथ राहत बचाव की टीम टर्की और सीरिया में भेजी है। भारतीय सेना का 60 पैराफील अस्पताल की यूनिट ने टर्की और सीरिया के भूकंप से बचे लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए दुनिया भर से सराहना प्राप्त की है। भारत की यह मेडिकल यूनिट निरंतर दोनों देशों में फंसे लोगों को लगातार मदद पहुंचा रही है। भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की यूनिट पहली बार सुर्खियों में नहीं है, बल्कि वह इससे पहले भी विभिन्न देशों में संकट के दौरान सेवा दे चुके हैं। भारत की यह मेडिकल यूनिट ने 1950 और 1954 के बीच कोरिया युद्ध के समय वहाँ देवदूत बनकर काम किया था। मेडिकल यूनिट ने कोरिया युद्ध के समय 2,00,000 से अधिक लोगों का इलाज किया था। कोरिया युद्ध के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया था। इसके तहत भारतीय सेना की एक मेडिकल यूनिट 60 पैराफील्ड अस्पताल की तैनाती की गई थी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल AG रंगराज ने संभाली थी।